Dear, in this video, I am going to discuss electric flux. What is electric flux? Generally, electric flux is defined as, suppose this is surface area, this is plane surface, okay, this is S, okay, and when the electric field line passes through this surface, electric field line passes through this surface normally. This is the surface area, plane surface, and this is the electric field line passes through this surface. This is what? Electric field. So we can say electric flux, it is defined as the electric field line passes normally to the surface is called electric flux. Okay, ये number of electric field line है और ये surface area है. Surface area में जितने भी electric field line link होंगे उसको हम लोग flux बोलेंगे. ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो रहे हैं. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 8 अब इनटू इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फ्लक्स मिल जाएगा. फ्लक्स को एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं. और ये एक फिजिकल क्वान्टिटी है और ये जो क्वांटिटी है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, दो चीज़ों पे डिपेंड किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक सरफेस एरिया. एक और चीज़ डिपेंड करता है, देखिए फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ फाई. फाई किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. ई पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे. और सेकेंड जो डिपेंड करता है, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. एक और चीज़ डिपेंड करता है, थीटा. फाई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. वेयर थीटा क्या है? वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई के बीच में. सपोज़ ये सरफेस है. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का नॉर्मल होता है. जैसे ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया वेक्टर ये होगा, ये एरिया वेक्टर है. ठीक है, और हमेशा ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ये होगा, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर होगा. तो एरिया वेक्टर इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है. तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये एरिया वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई. और एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल है, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर, इसको एन कैप से भी डिनोट करते हैं. तो ये थीटा. तो ये एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड ई इज व्हाट? थीटा. तो ये फाई इज डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा. ठीक है, तो ये अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो फाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और इस कांस्टेंट को वन मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा. कॉस थीटा है, इसका मतलब अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ई डॉट एस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट होगा. ठीक है, फाई मे बी पॉजिटिव. फाई क्या हो सकता है? फाई मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. डिपेंड्स ऑन थीटा. ये थीटा पे डिपेंड करेगा. जैसे देखिए, ये अभी हमने सरफेस ऐसे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है. तो अगर मैंने इस तरह से ऐसे एक सरफेस बनाया, ये ठीक है, ये ऐसे सरफेस बनाया, ये इस तरह से, ये इसका नॉर्मल वेक्टर के, ये एरिया वेक्टर किधर होगा? ये एरिया वेक्टर
ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है। अगर ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो। और हम लोग फाई डिपेंड किस पे करता है, फाई कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो का वैल्यू आता है वन, कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू वन, तो फाई इक्वल टू हो गया ई एस यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं ऐसे सरफेस बना दूँ, ये ऐसे सरफेस बनाया, एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर ये डी एस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं ऐसे पास कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए ऐसे अगर मैं इस तरह से अगर बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इसमें फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर ऐसे बना दूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 में माइनस होगा, तो थीटा इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इक्वल टू ज़ीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू ज़ीरो में क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, थीटा इक्वल टू 90 में ज़ीरो होगा, थीटा 180 में क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो ये फ्लक्स का केस होगा कि कब पॉजिटिव होगा, कब ज़ीरो होगा और कब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये तो प्लेन सरफेस के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अगर हमको फ्लक्स रफ सरफेस के लिए कैलकुलेट करना होगा, अगर रफ सरफेस के लिए सपोज ये एक रफ सरफेस है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू रफ सरफेस, रफ सरफेस यहाँ पे क्या था, प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस में हमने कैलकुलेट कर लिया फाई इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है फ्लक्स का। अगर इस तरह से अगर सरफेस है, रफ सरफेस है, तो हमने क्या करेंगे कि ये पूरे सरफेस में क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये हमने एक स्मॉल एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर ये होगा और ये फील्ड की डायरेक्शन होगा ई, और ये एरिया वेक्टर डी एस, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, ये एक स्मॉल एरिया लेंगे एरिया वेक्टर, ऐसे बहुत सारे पूरे सरफेस में छोटा छोटा लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स फाइनेट ड्यू टू दिस क्लोज सरफेस इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, फाई इक्वल टू ई डी एस होता है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी एस, तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस, अगर इसको डॉट हटा देंगे तो फाइनेट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पूरे क्लोज सरफेस क्या है, सरफेस को अगर एस बोलते हैं तो पूरे क्लोज सरफेस एस के लिए ई डी एस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और डी एस क्या है, ये छोटा छोटा एलिमेंट, सब अगर छोटा छोटा अगर ऐड करते जाएंगे, ये ऐड करते जाएंगे तो पूरे सरफेस को जोड़ लेंगे, और ये डी एस अगर हम बात करेंगे तो एस के बराबर हो जाएगा। फिर अगर ऐसे बात करूँ कि पूरे क्लोज सरफेस एस के लिए डी एस को अगर बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एस के बराबर हो जाएगा, पूरे सरफेस एस के बराबर, तो ये क्या है, रफ सरफेस के लिए होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग रफ सरफेस में कैलकुलेट करेंगे, ये प्लेन सरफेस और फ्लक्स ये है, इन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।